जब हमारे घर में पके हुए चावल बच जाते हैं तो उसका इस्तेमाल करके हम मसाला भात, कर्ड राइस या फिर कटलेट बनाते हैं। तो आज हम यहाँ पे बचे हुए चावल में से थेपले बनाएंगे, और ये जो थेपला है वो बहुत ही टेस्टी लगता है, और उसके साथ हम दही तिखारी बनाएंगे। ये जो थेपला है इसे आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और डिनर में भी सर्व कर सकते हैं। जब भी आपको डिनर में कुछ लाइट खाना होता है तो इस तरह का थेपला बना के भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए लेफ्ट ओवर राइस में से थेपला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 2 कप जितना गेहूं का आटा लिया है, इसमें 3 से 4 चम्मच जितना ऑयल ऐड करेंगे, 2 चम्मच जितनी चिली गार्लिक पेस्ट, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 2 से 3 चम्मच बारीक कट की हुई हरी धनिया, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच तेल और 1 चम्मच जितनी शुगर ऐड करेंगे, उसी के साथ 1 चम्मच जितना लेमन जूस, 1 चम्मच नमक। अब इसमें 1 बाउल जितने बचे हुए चावल ऐड करेंगे, और ये जो चावल है इसे हम इस तरह मसल के ऐड कर देंगे। अगर आपके पास चावल नहीं है और ये थेपला बनाना चाहते हैं तो इसकी जगह आप पोहा को भिगो के इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने जो आटे में सारे मसाले ऐड किए हैं तो इसे हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधा कप जितना दही ऐड करेंगे, दही की जगह आप इसमें छाछ भी ऐड कर सकते हैं। मेरे घर में ये जो थेपला है वो वंस इन अ वीक जरूर बनता है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे आटे में ऐड कर देंगे और एक सेमी सॉफ्ट डो बना के प्रिपेयर कर लेंगे। अगर आपको थेपला की जगह इसका मुठिया बनाना है तो इसमें आपको 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा ऐड करना है। तो ये जो आटा है उसमें से आप मुठिया भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा डो है वो परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हो गया है। थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसे 1 मिनट के लिए नीड कर लेंगे। आटे को नीड करने के बाद इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। जब तक डो रेस्ट पे है तब तक यहाँ पे हम दही तिखारी बना लेंगे। तो उसके लिए पैन में 2 चम्मच जितना ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म होता है तब तक यहाँ पे हम दही में कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो मैंने 1 बाउल जितना दही लिया है, इसे अच्छे से फेंट लिया है। 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक, अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल गरम होने के बाद इसमें आधा चम्मच जितनी राई चटकने लगे उसके बाद आधा चम्मच जितना जीरा ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हींग, आधा चम्मच चिली गार्लिक पेस्ट, और ये पेस्ट ऐड करने के बाद हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे सौते कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे गैस की फ्लेम ऑन रखेंगे और उसके बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे तो जो हमारा दही है वो फट जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पे गैस की फ्लेम बंद करके ही दही ऐड करना है। 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हमने जो दही का मिश्रण बना के प्रिपेयर किया था वो इसी स्टेज पे हम ऐड कर देंगे। ये जो दही तिखारी है इसे आप मसाला पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं, इवन मसाला भाखरी जो होती है उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। अब इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी दही तिखारी बन के तैयार हो गई है। अब लास्ट में हम इसमें थोड़ी सी बारीक कट की हुई हरी धनिया भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रेस्ट देने के बाद डो को 1 मिनट के लिए नीड कर लेंगे और इसमें से हम रोटी की साइज़ की लोई बना के प्रिपेयर कर लेंगे। तो ध्यान रहे कि हमें यहाँ पे बड़ी बड़ी लोई नहीं बनानी है, इस तरह छोटी सी ही लोई बनानी है। तो सभी लोई बना के प्रिपेयर कर लेंगे। लोई को सूखे आटे में डस कर लेंगे और इसकी एक चपाती जैसा बेल के प्रिपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है, तो इस तरह एक राउंड पराठा जैसा बेल लेंगे। तो इसी तरह हम दूसरा थेपला को बेल के प्रिपेयर कर लेंगे। दूसरी ओर मैंने थेपला को सेकने के लिए पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब थेपला को पैन के ऊपर प्लेस कर देंगे और इसे हम मध्यम आँच पर सेक के प्रिपेयर कर लेंगे। तो जो नीचे की साइड है वो अच्छे से सीख गई है, दोनों साइड हमें इसे अच्छे से सेक लेना है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड परफेक्ट तरीके से सेक गई है। तो इसके ऊपर हल्का सा ऑयल अप्लाई कर लेंगे। ऑयल की जगह आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल हम पराठा सेकते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसे सेक के प्रिपेयर कर लेना है। ये जो थेपला है वो मेरे घर में वंस इन अ वीक ज़रूर बनता है। आपके घर में राइस बचता है तो आप कौन सी डिश बनाते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हमारा थेपला बनके तैयार हो गया है। तो इसी तरह हम सारे थेपले को सेक के प्रिपेयर कर लेंगे।
ये जो चावल के थेपले हैं इसे आप डिनर और ब्रेकफास्ट दोनों में खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक आसान सी रेसिपी के साथ दोस्तों।